नमस्कार, मैं मनीष कुमार अंकुर, खबर 24 एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। बांग्लादेश से एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है। ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि जो सेना अध्यक्ष है, वहाँ के जो सेना प्रमुख हैं, सेना प्रमुख वाकर उज्जमान ने बांग्लादेश के प्रेसिडेंट से इस्तीफा मांग लिया है। उनका कहना है कि आप इस्तीफा दे दीजिए और आप ही शेख हसीना की तरह हमारा देश छोड़ दीजिए। जैसे कि शेख हसीना वहाँ पर प्रधानमंत्री थी, प्रधानमंत्री को इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा क्योंकि सेना ने पूरे देश पर कब्जा कर लिया था, जिस वजह से वहाँ शेख हसीना को इस्तीफा देकर भारत की शरण लेनी पड़ी। क्योंकि अगर इस्तीफा नहीं देती तो हो सकता था कि उनकी गिरफ्तारी होती या फिर हत्या भी हो सकती थी। और यही चीज़ जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति यानी कि मोहम्मद शहाबुद्दीन जो राष्ट्रपति हैं बांग्लादेश के, उनसे बोला गया है कि आप इस्तीफा दे दीजिए, अभी तत्काल इस्तीफा दे दीजिए और आप भी देश छोड़ सकते हैं। खैर, अभी बाकी जो खबर पर अपडेट आना है, अपडेट थोड़ी बहुत देर में अपडेट आ जाएगा क्योंकि ये ब्रेकिंग न्यूज़ है और अभी तक कहीं पर इस खबर का प्रसारण नहीं हुआ है। ये हमारे विश्वसनीय सूत्रों से इस खबर के बारे में जानकारी हमें मिली है। बाकी आगे देखना होगा कि क्या इस खबर पर अपडेट आता है, क्या अपडेट नहीं आता है, या ये खबर फेक खबर निकलती है। खैर, जो उम्मीद है बांग्लादेश में, क्योंकि अभी भी अस्थिरता है, बांग्लादेश के जो प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद यूनुस पूरी तरह से बांग्लादेश को नहीं संभाल पा रहे हैं क्योंकि वहाँ पर हिंदुओं पर हमले लगातार अभी भी हो रहे हैं। इसके अलावा मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है, वहाँ पर लोगों को भी निशाना बनाया जा रहा है। आने वाले समय में पता लगेगा कि क्या वहाँ पर हो रहा है, क्या वहाँ पर नहीं हो रहा है। लेकिन जो खबर आ रही है यही है कि बांग्लादेश के जो राष्ट्रपति हैं उनसे इस्तीफा मांग लिया है सेना प्रमुख ने। खबर पर क्या अपडेट आता है, क्या अपडेट नहीं आता है, बहुत बड़ी खबर है, हम आप तक पहुंचा रहे हैं और हमारे जो विश्वसनीय सूत्र हैं उनसे ये खबर की जानकारी हमें प्राप्त हुई है, आप तक खबर हमने पहुंचाई है। खबर इतनी ब्रेकिंग है कि हमें ट्रेन से खबर देनी पड़ी है क्योंकि मैं जर्नी कर रहा हूं, मुंबई जा रहा हूं नागपुर से। ये खबर मुझे ट्रेन के अंदर देनी पड़ी है, आपको आप तक पहुँचानी पड़ी है हमें खबर ट्रेन के अंदर, क्योंकि शोर शराबा होगा और हम कम्फर्टेबल नहीं है पूरी तरह से यहाँ पर क्योंकि आवाजाही हो रही है। आवाजाही के कारण हम आपको जो खबर है पूरी तरह से ढंग से नहीं दे पा रहे, लेकिन फिर भी इस खबर पर हमारी नज़र बनी रहेगी और जो भी अपडेट होंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो इसी के साथ में मैं मनीष कुमार अंकुर, खबर 24 एक्सप्रेस के लिए धन्यवाद।